साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं क्लास जो है ना 12th वाले बच्चों का, जिनका आप लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो रहा है। तो मैं ज्योग्राफी का यानी भूगोल का पेपर लेकर के आया हूँ। विषय कोड देखिए 328 आपका है, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और मैं पहले ही बोल दूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आंसर के इस वीडियो में बताऊँगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका आंसर की PDF के रूप में भी दे दूँगा, ताकि आप आराम से इसको लिख पाओगे, आराम से लिख के एग्जाम हॉल में जाओगे। ठीक है, तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 9835161610 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना है, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद हिंदी इंग्लिश और आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है सबका पेपर डाला जाएगा। तो आप लोगों के मोबाइल में अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करके, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। चलिए, 1 से लेकर 30 तक प्रश्न है आपको, कि नहीं 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो मैं आपको सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लेना है, मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर पहला का डी नंबर नोट कर लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, यह बोला नव निश्चयवाद की कल्पना संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रिफिथ टेरल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संभववाद की कल्पना की किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो बिल्कुल 3 नंबर का ऑप्शन बी नोट कर लेना है, मानवीय घटक का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है ना? तो याद रखिएगा, ये कहा जाता है किन को? तो बिल्कुल याद रखिएगा, रीटल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिए प्रश्न, आप लोगों से 5 नंबर बोला, मात्रात्मक क्रांति संबंधित किससे है? तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना है। ए बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र का जो है ना उप क्षेत्र है? तो आप 6 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, ए हो जाएगा, सामाजिक भूगोल। ठीक है ना, तो चलिए आगे देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर है, फेवरे संबंधित किससे है? तो आप 7 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी से नहीं होगा। अगले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? तो 8 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लेना है, ध्रुवीय प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो बिल्कुल आप 9 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये होगा महा जो ना क्या हो जाएगा, एपिटिक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो 10 का राइट आंसर सी नोट कर लेना है, अफ्रीका का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 11 है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लेना है, इंडिया का, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। 13 है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो याद रखना है 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर करेक्ट होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, सैन्य भूगोल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहां पर है? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मैदानी भागों में। तो ऑप्शन नंबर आपको डी सी नंबर नोट कर लेना है। आगे आप देखेंगे 16 नंबर जनसंख्या जो ना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस व्यवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों को जो है ना निम्न कर देती है? तो 16 का राइट आंसर आपको जो है ना ये शायद प्रॉपर मुझे याद नहीं है, तो प्यारा बच्चों मैं इसको छोड़ दूंगा। अगले क्वेश्चन नंबर 17 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण कारक है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना सी नंबर नोट कर लेना है, ये आपका मिट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल सूचांक का मापक है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 18 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर करेक्ट होगा, ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। इसके आगे आप 19 नंबर को देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या लगभग जो है ना 121 करोड़ थी। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार विकास राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक बोला गया, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन आप बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि 20 नंबर का हम क्या बता दिए।
ठीक है चलो। निम्नलिखित भाषा परिवारों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे जनसंख्या कम की बात की गई है किसका, तो यह जगह तिब्बत चीनी तिब्बत का, तो राइट आंसर सी होगा। 22 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे है 23 नंबर, मानव विकास उच्चांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है, केरल का। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, ये बोला कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.6 आयु वर्ग लिंगानुपात न्यूनतम है? तो आप नोट करिएगा 24 का, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है। आगे आप 25 नंबर को देख लीजिएगा, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना है, पुरुष और महिला। 26 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आप 26 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना है, 283 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आप लोग यहां पर देख लीजिए, आगे जो 27 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास उच्चांक संबंधित है, तो 27 का ऑप्शन नंबर जो है ये मुझे नहीं पता है, शायद छोड़ देना है। 28 से निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो आप नोट करेंगे बिल्कुल, जो कि 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काम और रोजगार के कारण पुरुष जो है ना अलग अलग राज्यों में जाकर के या विदेशों में जाकर के काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई थी? तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है डी नंबर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 30 का ऑप्शन डी होगा, लगभग 74.0%, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, सारे प्रश्नों का बता दिया हूं, अब सब्जेक्टिव है। देखो यहां पर जो है ना आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 10 नंबर के लिए होगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं, फिर उत्तर इसका प्रॉपर से बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें, दूसरा है सामाजिक भूगोल के दो क्षेत्रों के नाम लिखे, और आप लोग तीसरा नंबर को देखेंगे कि निश्चयवाद एवं संभाववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें, जनसंख्या परिवर्तन के घटकों को लिखे, प्रवास संबंधित किन्हीं दो अपकर्षों को लिखे। 6 नंबर बोला गया कि मानव विकास सूचक से क्या है, भारत में जनसंख्या घनत्व का प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, ठीक है। और आगे आप लोग यहां पर जो है ना 8 नंबर को देख लीजिएगा, यहां पर देख लीजिए मैं आपको इसे पांचवें प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, तो इसको छोड़ भी दोगे तो क्या दिक्कत है ना। बस चलो आप देख लो यहां पर जो जो प्रश्न का उत्तर बताऊंगा उसको मैं दिखाते चल रहा हूं, आप देखते चलो। जैसे कि 11 की जनसंख्या जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की विवेचना करें, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की विवेचना करें, 13 के भारत में प्रवास के कारणों को विवेचना करो, तो ये मैं 11-12-13 का उत्तर दूंगा। तो चलो PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा रहा, तो आप वहीं पे चलो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। आप क्रोम या गूगल को जल्दी से ओपन कर, तो इसके लिए आप पहले सबसे अपने फोन में गूगल को ओपन कर लो, फिर सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो गूगल या क्रोम में, जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना इसी चैनल का नाम सर्च कर लो ना, मिथुन स्टडी सेंटर। फिर देखो आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है ना देख लेना, यहाँ पर क्लास 12th का सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा ना क्लास 12th का सेशन, ये फर्स्ट में जो लिखा है इस पर क्लिक कर लोगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपके सामने यहाँ पर देखना प्यार बच्चों, ये साइंस का सेशन यहाँ नहीं क्लिक करोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पर ज्योग्राफी देखिए आर्ट्स के सेशन में मिलेगा, डाउनलोड लिखा इस पर क्लिक करोगे। अभी आप लोग देखो अगर नीचे आते हो तो आंसर की आपको सब्जेक्ट का एकदम नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है ना, अब करोगे क्या, ऊपर आके पेज को रिफ्रेश कर दोगे, बस एक बार पेज को रिफ्रेश करोगे आंसर की तुरंत दिख जाएगा, नीचे को खींच दोगे। देखो हम किए, आप देखो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का भी प्रॉपर आंसर की 30 का भी 30 का 30 यहाँ पर डाल दिया हूँ लिख लोगे, और सब्जेक्टिव की बात रही तो यहाँ पर आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर है, दूसरा का यहाँ पर है, तीसरा का उत्तर यहाँ पर है, चौथा का यहाँ पर है, तो आप आकर के यहाँ पर जो है ना यहाँ पर से लॉन्ग क्वेश्चन का भी सारे प्रश्नों का उत्तर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।